नमस्कार, दिल्ली मेट्रो इंसाफ बुलेटिन में आपका है स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजातरीन खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने जीता विश्वास मत, लगे ईडी के नारे। शिंदे के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने आज फ्लोर टेस्ट में सफलता हासिल कर ली है। उनके पक्ष में कुल 164 वोट पड़े। पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू को किया याद, कहा आजादी का संग्राम कुछ लोगों का, कुछ सालों का इतिहास नहीं। पीएम मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेना अल्लूरी सीताराम राजू की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आजादी का संग्राम कुछ लोगों का, कुछ वर्षों का, कुछ इलाकों का इतिहास है। नुपुर शर्मा का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वालों को मिल रही जान से मारने की धमकी। अमरावती उमेश कॉल्हे की हत्या के पहले जितने लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था, उनको धमकी दिए जाने के मामले दर्ज हो रहे हैं। मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, अगले सप्ताह होगी सुनवाई। अग्निपथ योजना पर मचा बवाल अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते में सोमवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। हिमाचल के कुल्लू में बस हादसे पर पीएम मोदी और सीएम जयराम ने जताया दुख। 16 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आज सुबह एक बस खाई में गिर गई, जिसमें बच्चों समेत 16 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अन्य नेताओं ने भी दुख व्यक्त किया। डिप्टी सीएम सिसोदिया का दावा, कहा 10 लाख से ज्यादा लोगों को बाजार पोर्टल के जरिए मिला रोजगार। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए गए रोजगार पोर्टल के जरिए 10 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार पाया है। अगली खबर एमपी के सागर से है। स्मार्ट सिटी सागर में 2 घंटे की बारिश ने खोली काम की पोल, कॉलोनियों और घरों में भरा पानी, डूबी सड़कें। मध्य प्रदेश के सागर में सड़क पर भरे पानी में से चालकों को अपना वाहन तक निकालना मुश्किल हो रहा है। पानी में वाहन बंद होने से चालकों को उतरकर धक्का लगाकर अपने वाहन को निकालना पड़ रहा है। उदयपुर में दुर्लभ बीमारी गोचर की एंट्री, अब तक 5 मरीज मिले। गोचर मरीज को हर महीने 1,25,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगना जरूरी है, जो जिंदगी भर लगता है। उदयपुर में 5 दिन बाद चालू हुआ इंटरनेट। उदयपुर में प्रशासन की तरफ से कर्फ्यू में 12 घंटे की ही छूट दी गई। संभावना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहा तो मंगलवार से उदयपुर पाबंदियों से मुक्त हो जाएगा। योगी सरकार ने 100 दिनों में जब्त की करोड़ों की संपत्ति। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि इन 100 दिनों में सरकार ने 840 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। रूसी हमलों से यूक्रेन में खेलों को नुकसान, जेलेंस्की बोले हमले में निवासी एथलीट और कोच मारे गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के मुताबिक रूसी हमलों में यूक्रेन में स्थित खेल के मैदान और ट्रेनिंग सेंटर को बहुत नुकसान पहुंचा। केजरीवाल ने साधा निशाना, बोले आपके दिल्ली मॉडल में कमियां निकालने में नाकाम रही बीजेपी दिल्ली। आपको बता दें केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली गए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल को लेकर बोले 2 दिनों के दौरे के बाद भी उन्हें कोई कमी नहीं मिली, ये दिल्ली में आप सरकार के प्रदर्शन को दर्शाता है। नुपुर शर्मा पर ट्वीट कर फंसे अखिलेश यादव, NCW ने पत्र लिखकर कहा तुरंत की जाए कार्रवाई। NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लेटर लिखा और अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। भारत का नेपाल को प्यार, 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसों का उपहार। भारत ने नेपाल को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के प्रतीक के तौर पर 75 एम्बुलेंस उपहार में दी हैं। इसके साथ ही स्कूली बसें भी दी गई। नवनीत राणा के पति रवि राणा ने कहा महाराष्ट्र में सिर्फ 6 महीने नहीं 25 साल चलेगी सरकार। अमरावती के सांसद नवनीत राणा के पति रवि राणा ने NCP प्रमुख शरद पवार के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। गुरुग्राम में सिगरेट पीते पीते सोलवे फ्लोर की बालकनी से नीचे गिरा शख्स हुई मौत। खेड़ की दोला पुलिस थाने के प्रभारी राजेंद्र कुमार का कहना है कि पहली नजर में यह घटना शख्स के संतुलन खोने के बाद गलती से नीचे गिर जाने का लग रहा है, जिसकी वजह से शख्स की मौत हो गई। पंजाब पुलिस की वर्दी और बंदूकों के साथ धरे गए सिद्धू मूसेवाला का शूटर और उसका मददगार लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार गैंग का शार्प शूटर अंकित और राजस्थान का गैंगस्टर सचिन भिवानी दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो इंसाफ बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए नेशनल इंडिया।